हेलो गाइस, दिस इज़ अंकित शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो यू माइट बी वंडरिंग कि मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ। सो मेरा जो आज का प्लान है वो मेरा मसूरी जाने का प्लान है। कोई ऐसा प्लान नहीं था बट रात में सडनली बना। एज़ जो मेरा मेन प्लान था वो था जयपुर जाने का अपने दोस्त के साथ, बट उसके फैमिली ने उसको अलाउ नहीं किया ड्यू टू कुछ इशू हो रहा होगा उसका अपना या उसकी फैमिली का या कंसर्न रहे होंगे जिसकी वजह से वो नहीं आ पाया मेरे साथ। सो मैंने लास्ट मिनट में अराउंड 3 o'clock मेरी आँख खुली एंड मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं तो जाना है। सो आई थॉट कि चलो मसूरी चलते हैं। सो या अभी स्टार्ट कर दिए मैंने अराउंड, इट्स अराउंड 4:30 AM और मैं निकल पड़ा हूँ। लेट्स सी क्या होता है, कुछ प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। आई एम टोटली अनप्लान्ड एंड कोई आइडिया नहीं है। बाकी आई डोंट नो क्या मेरी वॉइस कैसे कैप्चर हो रही है बिकॉज मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ एंड कोई आइडिया नहीं है कैसे वॉइस आ भी रही है या नहीं आ रही है। सो डू लेट मी नो अगर आपको वॉइस आ रही है मेरी। बाकी जो मैंने गूगल पे देखा था यहाँ से जो मसूरी है वो अराउंड 290 किलोमीटर्स अराउंड 300 किलोमीटर्स है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। सो विल बी टेकिंग अराउंड 6 to 7 hours। मैं ब्रेक व्रेक मिला के अराउंड 8 to 9 hours लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैं आराम से जाऊँगा। कोई जल्दी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, पूरा टाइम अपने पास। सो गाइस, एज यू कैन सी दिन निकल गया है अभी एंड मैंने जस्ट अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया था रोड साइड ढाबा पे। मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रहा था कि कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाए, मैकडी वगैरह या बर्गर किंग वगैरह कुछ अच्छा सा जहाँ पे मैं बैठ के आराम कर सकूँ और थोड़ा ढंग का खा सकूँ, बट काफ़ी देर तक मेरे को कुछ नहीं मिला। सो मैंने ऐसे ही कोई रोड साइड ढाबे पे अपना स्टॉप ले लिया क्योंकि बारिश भी आप देख सकते हो कि रोड पूरी गीली हैं, बारिश भी आ रही थी। तो मैंने सोचा कि बेटर है कि थोड़ी देर रुका जाए, बॉडी को भी आराम मिल जाएगा क्योंकि अभी इतने आदत नहीं है लॉन्ग राइड से। सो या मैंने चाय वगैरह ली वहाँ पे और ऑमलेट वगैरह खाई। चाय मैंने एक्चुअली 2 बार पी क्योंकि जो पहली थी वो बहुत ही ज़्यादा मीठी थी। मतलब ऐसे कि अगर आप थोड़ी देर उस चाय को पीने के बाद चिपका के बैठो तो वो चिपक ही जाए। दूसरी बात ठीक ही, उनको मैंने बोला था कि शुगर फ्री बनाओ, उन्होंने शुगर फ्री वाली में भी इतनी पता नहीं कहाँ से चीनी डाल दी, बट ठीक था। मतलब ओवरऑल आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पर ऐसे टाइम पर। जो मेजर थिंग थी कि मैं बारिश में बच गया, भीगा नहीं। सो या बाकी अभी एक स्टॉप हो चुका है मेरा, मैंने अराउंड 120-130 किलोमीटर्स कर लिए हैं बाकी, और जितना भी है वो देखते हैं आगे क्या हाल रहता है। बस अब यही है कि भगवान जी अब इसमें बारिश और ना करें क्योंकि बारिश आने से दिक्कत हो जाएगी। सो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बाकी अगर कुछ मिलता है आपको ऐसा दिखाने लायक तो दिखाता हूँ, नहीं तो मेरे पास अभी एक ही बैटरी है तो पता नहीं कब तक चलेगी कब तक नहीं चलेगी, तो मैं बिट्स एंड पीसेस में ही रिकॉर्ड कर पाऊँगा। बाकी मैं प्लान कर रहा हूँ कि घर जाके एक और बैटरी ले लूँ ताकि यू नो कोई इशू ना आए रिकॉर्डिंग में। अभी तक तो और कोई अपडेट है नहीं, बाकी बाइक इज परफॉर्मिंग क्वाइट वेल, मजा आ रहा है ड्राइव करने में।
और आई थिंक बारिश आ गई है, मेरे को कोई सेफ हाउस देखना पड़ेगा जल्दी, धीरे धीरे चलानी पड़ेगी जितना धीरे हो पाए ताकि कम भीगूँ एंड कहीं जाके रुक सकूँ। या बारिश आ गई है चलो एक टाई ब्रेक हो रहा है, वैसे भी मेरा हो गया है 80 पे, मेरे को प्लान था 77 हो गया, तो आई एम डूइंग गुड, जो प्लान कर रहा हूँ वो सक्सेसफुल हो रहा है अभी तक, बस बारिश ना आती तो मैं इसको और भी खींच लेता। तो बारिश आ गई है एंड सही आ गई है, आई मीन तेज हो गई है थोड़ी, आई डोंट थिंक मैं ज़्यादा देर ड्राइव करूँगा, मेरे को फिर वही देखना पड़ेगा शेल्टर का जहाँ पे मैं रुक सकूँ। कोई ढाबा मिल जाएगा क्या? मैं तो सही बट बाइक खड़ी काम करूँगा, बाइक कब तो इशू है, पीछे बैग वैग है। अभी फिर से बारिश चलेगी विच इज ए गुड थिंग, मैं तो कहूँ आए ना 2 घंटे 2.5 घंटे, मैं एक बार रूम पर पहुँचता हूँ, कंबल में घुस जाऊँ, फिर सारा पूरे दिन बारिश हो, आई डोंट केयर। मेरा घूमना भी है ऑब्वियस बात है, बस स्टिल अभी से तो बेटर कंडीशन होगी इस टाइम पे। मेरे भीगने से भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत मेरे को मेरे बैग से भीगने से है, क्योंकि उसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम है प्लस मेरे कपड़े हैं, तो अगर वो कपड़े भीग गए तो भाई पता नहीं क्या करूँगा मैं। चलो गाइस मैं मिलता हूँ आपको नई अपडेट के साथ जो भी आती है। सो गाइस मैंने यहाँ पे अपना लास्ट ब्रेक लिया है, बारिश बहुत ही तेज़ हो रही है एंड मेरे जो बैटरी है ऐसे कैम है वो बिल्कुल डाउन हो गई है, आई डोंट नो कितना देर चल पाएगी या नहीं चल पाएगी क्योंकि वार्निंग साइन आ गई है। सो आई थॉट मैं यहीं पे ही इसको ओवर कर देता हूँ। बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप दीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा एंड अगर नहीं पसंद है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, इस ओके एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई नीड योर सपोर्ट। टिल देन बाय बाय, राइड सेफ बी सेफ़।